हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको बताऊंगी पाइपिंग लगाने का बहुत ही आसान सा तरीका। तो इस तरीके से आप ब्लाउज या कुर्ती के नेक में बहुत ही सिंपल तरीके से पाइपिंग लगा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हमें इस साइड से कपड़े को कट करना है क्योंकि ये ऑरेप साइड है। इस साइड से अगर आप कपड़े को कट करेंगे तो पाइपिंग बहुत अच्छे से लगेगी। तो इस तरह से हम 1.5 इंच पर मार्क लगा लेंगे और इसी मार्क पर हम कटिंग कर लेंगे। और इसी तरह से हम 2-3 पट्टियाँ कट कर लेंगे और ज्वाइंट कर लेंगे। तो देखिए, हमने 1.5 इंच पे पट्टी को कट कर लिया है। तो इसमें कपड़ा कम था इसलिए हमने इसमें ज्वाइंट किया है। अगर आपका कपड़ा अधिक है तो आपको ऐसे ही पट्टी कट कर लेनी है, ज्वाइंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब हम इसे अटैच करके दिखाते हैं। तो पहले इस तरीके से हम इसे नाप ले लेंगे ताकि कपड़ा हमारा छोटा ना पड़े। फिर उसके बाद हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो देखिए, बिल्कुल बराबर आया है। तो इस तरह से हम अगर माप ले लेते हैं तो हमारा कपड़ा छोटा नहीं होता है, बाद में हमें जोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले हम किनारे से शुरू करेंगे। तो इस तरीके से हम कपड़े को फोल्ड करेंगे और फिर इसके बाद हम इस तरह से किनारे किनारे रख के इसको जितनी हमें पाइपिंग लगानी है उतनी ही हम सिलाई करेंगे। तो देखिए, उल्टे साइड को हम अंदर की तरफ रखेंगे और फिर कपड़े को फोल्ड करेंगे और जो कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा था उसे कट कर लेंगे। तो यहाँ हमें सिलाई उस तरह से लगानी है जैसे आप पट्टी लगाते हैं नेक पे, बिल्कुल उसी तरीके से। अगर आपको चौड़ी पाइपिंग चाहिए तो थोड़ा चौड़ा लगाएं और पतली पाइपिंग चाहिए तो बिल्कुल पतला सिलाई लगाएं। तो देखिए, इस तरह से बिल्कुल कपड़े को खींचते रहना है और नीचे के कपड़े को बराबर रख के इस तरह से हमें इस पर सिलाई लगाती जानी है। और बिल्कुल इसी तरह से हमें पूरे नेक पे सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए, हमने पट्टी को पूरा इसमें अटैच कर लिया है। अब इसके बाद हम इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। तो इसके बाद अगर पाइपिंग हमें थोड़ी पतली लगानी है तो इस तरह से हम कपड़े को कट कर लेंगे जितनी हमें पाइपिंग चाहिए उसके हिसाब से। और ध्यान रखें कि सिलाई को ना कट कर लें। तो देखिए, हमने ये एक सूत का गैप देके कट कर लिया है। अब इस तरह से हम इसे फोल्ड करेंगे। नीचे वाला जो कपड़ा है उसे अंदर की तरफ मोड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो पाइपिंग जो हमारी है वो अच्छे से फिनिशिंग नहीं आएगी उसमें। इसे बिल्कुल सीधा रखना है और इस तरह से इसके ऊपर हमें फोल्ड करना है। अब इसके बाद जो ये सिलाई हमारी लगी हुई है बिल्कुल उसी के किनारे हम इस पर सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से हम लेफ्ट साइड की तरफ फोल्ड करेंगे और राइट साइड की तरफ हम सिलाई लगाएंगे और बिल्कुल किनारे किनारे सिलाई लगाएंगे जहाँ से हमारी पहली सिलाई लग चुकी थी। तो इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है, बिल्कुल टाइट पकड़ना है इसे और किनारे किनारे बिल्कुल बारीकी से हमें इसे सिलाई लगा लेनी है। और जो सिलाई के मार्जिन है उसे हमें बिल्कुल सीधा रखना है और ऊपर वाले कपड़े को उसके ऊपर हमें फोल्ड कर लेना है, तभी ये हमारी पाइपिंग अच्छे से बनेगी। देखिए, बिल्कुल इसी तरीके से हमें फोल्ड करते जाना है और इसी तरह से हमें सिलाई लगाते जानी है बिल्कुल लास्ट तक। तो ये हमारी पाइपिंग लग के कम्प्लीट हो चुकी है। तो देखिए, बिल्कुल सिंपल और ईजी तरीका है और बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये हमारी पाइपिंग लगी हुई है। इसी तरीके से आप अपने नेक में, ब्लाउज में, किसी भी नेक में, दामन में पाइपिंग लगा सकते हैं सिंपल तरीके से। तो आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी? आपको ये हमारा तरीका पसंद आया या नहीं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।